हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बोगनवेला का पेड़ है जो इतनी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है कि इसको देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए, तो आज मैं आपके साथ यही इसी के बारे में बात करूंगी, बोगनवेला के बारे में, कि हम इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे ये इस तरह से ही ब्लूमिंग करे। और वैसे भी आपको पता है कि दिस इज़ अ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सो वी हैव टू गिव सॉलिड फूड टू आर प्लांट्स। तो मैं भी आज यही करूँगी, आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ सेप्टेम्बर के मंथ्स में, अपने प्लांट्स को किस तरह की खाद देती हूँ, क्या क्या देती हूँ, कैसे करती हूँ, सब बताती हूँ आपको। बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस टाइम पे आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपके प्लांट्स में जो भी वीड्स हो रखी हैं, पहले आप उनको निकालेंगे। क्योंकि जो ये वीड्स हैं, आप ये क्या करेंगे, जब आप कोई भी खाद दोगे प्लांट्स को, तो ये वीड्स जो हैं वो सारा ले लेती हैं और ग्रोथ करती हैं। तो हमें सबसे पहले ये वीड्स को हटाना है इससे, कि जिससे फिर हम उसके बाद इसको खाद दें तो ये अच्छे से प्लांट्स ही ले और अच्छे से ग्रो करे और फ्लावरिंग करे। तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें वीड्स हटाऊंगी फ्रेंड्स, कि जिससे क्या है कि वीड्स हट जाएंगी, तो फिर हम इसके बाद इसके प्लगिंग करेंगे। थोड़ा सा इसमें से सॉइल से निकालेंगे, ये टॉप लेयर की सॉइल निकालेंगे इसमें, और इसमें हम फिर खाद ऐड करेंगे। तो देखिए क्या क्या करते हैं हम। देखिए, इसको मैंने क्लीन कर दिया है, और अब मैं इसकी जो टॉप सॉइल है इसको थोड़ा थोड़ा प्लग करूँगी, और इसकी जो सॉइल है ये यहाँ से, इसमें से टॉप लेयर की जो सॉइल है वो निकालूँगी फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं आपको अपने कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं ये फॉलो करती हूँ अपने बोगनवेला प्लांट के साथ, जिससे वो इतनी अच्छी ब्लूमिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसकी जो टॉप सॉइल है वो निकाल दी है, और सेंटर से हमें नहीं छेड़ना, इसे सेंटर से नहीं डालेंगे, हम जो भी मैन्योर डालेंगे वो कॉर्नर से डालेंगे, ओके। और ये देखिए, मैंने बैग से निकाल के इसमें रख दी है, ये मैं बाद में डालूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी क्या क्या डालती हूँ अपने इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक, मेरे पास 6-7-8 प्लांट्स के ये पॉट हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है। देखिए, इसमें मैंने ये मैन वो रखा है, वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास। आप लोग, अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, दूसरा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, काउडंग हो, या जैसे ये वर्मी कंपोस्ट ले रखा है मैंने, और साथ ही से मैंने ये नीम खली ले रखी है, थोड़ा सा जो फंगस ना लगे, और बोन मील डाली है फ्रेंड्स ये, और फंगीसाइड, क्योंकि जैसे ये सितंबर का टाइम होता है, बारिश के जाने के बाद जो होता है प्लांट्स में फंगस लगने का खतरा होता है, तो इसके लिए मैंने इसमें फंगीसाइड भी डाला। इस टाइम पर मैं अपने हर प्लांट्स के उसमें फंगीसाइड ज़रूर डालती हूँ। तो ये सब है मेरे पास फ्रेंड्स, इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे ढंग से, और मिक्स करके तो हम इसे अपने प्लांट्स में सब में डालूंगी मैं अपने उसमें। देखिए, इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है मेरा, और इसका मैन्योर का जो पूरा मिक्स किया है, अभी आपको प्लांट्स में डाल के दिखाती हूँ कि मैं कैसे डालती हूँ। तो ये देखिए, जैसे एक मुट्ठी मैंने लिया है, तो ये इस तरह से मैं क्या करूँगी, पूरा किनारे किनारे पर इसमें डालूँगी, बीच पे नहीं डालना है, क्योंकि ये जो खाद होती है ये गर्म होती है, तो एकदम से आप अगर इसकी इस स्टेम के नज़दीक में डालोगे तो ये क्या करेगी, उसको जला सकती है। तो इसको इस तरह से आपने सिर्फ किनारे पे रख डालना है, किनारे किनारे, और उसके बाद इसको क्या करना है, आपने इस मिट्टी से, जो उसकी मिट्टी निकाली थी उससे आपने इसको ढक देना है फ्रेंड। वैसे तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि कभी हमारा पॉट फुल हुआ, फुल हमने ऊपर से डाला और वो ऊपर रह गई खाद, और अगर हमें वाटरिंग करते हैं जब हम लास्ट में, तो वाटरिंग करते वक्त अगर पानी पूरा फुल हो गया उसमें से, तो वो पानी जब बाहर गिरेगा गमले से, तो साथ में जो हमने खाद डाली है वो भी हमारी क्या है, बाहर गिर जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप इसे इस तरह से थोड़ा सा एक लेयर निकालिए और उसमें तब डालिए इसके अंदर, तो इससे क्या है आपकी खाद भी अच्छे से डल जाएगी और आराम से अच्छा भी लगेगा, सही रहेगा। तो इस तरह से मैं अपने जो हैं सारे, मेरे पास जो 6-7-8 प्लांट्स प्लांटर हैं इसके, बोगनवेला के अलग अलग कलर हैं, तो मैं आपको ये सब में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपडेट कैसे मैंने उसको करा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें डाल के इसमें ढक दिया है, खाद डाल दी है, और आपको मैं दूसरा प्लांट दिखाती हूँ अपना। ये देखिए, ये मेरा दूसरा बोगनवेला है, ये
इसमें कर दिया है। ये देखिए ये मेरा नेक्स्ट ओपन वाला है, इस तरह से इसमें भी डाल दिया है मैंने पूरा। और एक ये मेरा है पिंक एंड वाइट कलर का, देखिए वेरीगेटेड वराइटी है, इसमें भी पूरा इसमें नीचे अच्छे से मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर से सॉइल ढक दी है इसमें, देखिए इस तरह से। और दो बोगन वाला ये है पिंक एंड दूसरा ये दूसरे कलर का, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अब मैंने जो ये खाद डाली है तो आप देखिएगा इसके, इस खाद को आप कम से कम 10 दिन में 15 दिन में एक बार ये प्रोसेस कीजिएगा अक्टूबर तक, तो आपका प्लांट्स में देखिएगा फिर उसके बाद कितनी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट्स। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स, 3 टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ इस प्लांट के लिए, बोगनवेला के लिए, जिससे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग करें। पहली टिप की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऐसी जगह प्लेस करती हूँ जहाँ पे इसको फुल डे सनलाइट मिले। ये बोगनवेला ऐसा प्लांट है फ्रेंड जिसको मैक्सिमम सनलाइट चाहिए, अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसको ऐसी जगह में आप भी प्लेस कीजिए जहाँ पे ये फुल सनलाइट में रहे। तो ये है मेरी फर्स्ट टिप। एंड द सेकंड टिप इज़ वाटरिंग, इसको कम पानी चाहिए होता है फ्रेंड्स, ये ड्राई ज़्यादा पसंद करता है अपने को सूखा रहना, जब ये ड्राई रहता है तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है देखिए। तो आप भी इसको क्या कीजिएगा, पानी जब इसकी टॉप लेयर की सॉइल सूखी हो तो ही इसमें पानी डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें पानी जल्दी से फ्रिक्वेंटली नहीं डालिएगा। एंड द थर्ड टिप इज़ प्रूनिंग फ्रेंड्स, प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रूनिंग करेंगे या पंचिंग करेंगे ऊपर टॉप की जो वो होती है टॉप होता है उसको, तो ये उतनी ज़्यादा बुशी होगा और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इसमें आपको थर्ड टिप मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जिसको आपको मैंने बोला प्रूनिंग, तो इसमें प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे जो एक दो प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं उसमें किस तरह से प्रूनिंग कर रही हूँ। एक ये वाला है देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, शेप भी कुछ ढंग से नहीं आ रही है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा इसकी प्रूनिंग कर दे रही हूँ कि जिससे क्या है ये बुशी हो जाए और अच्छे से इसमें वो ब्रांचेज आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरा जो है ये मेरा ऑरेंज कलर का बोगनवेला है, अभी इसमें कुछ टाइम पहले ही फ्लावरिंग हुई थी। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इस तरह से प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग करने से क्या है, जितनी जगह से ब्रांचेज आएंगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा ये। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से कीजिए, अपने जितने प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उन्हें खाद दीजिए और इस तरह से प्रूनिंग कीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए, इसकी भी मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में अपने गार्डन में अब सितंबर के मंथ में ये सारे काम कीजिए अपने फ्लावर के साथ, जिससे वो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके दे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कई जने आधा वीडियो देखते हैं और नहीं देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको जिन जनों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक लाइक मेरे एफर्ट्स के लिए जो मैं करती हूँ। और हो सके इस आगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए कि ये औरों तक भी मेरा जो वीडियो है वीडियो के थ्रू वो भी इस मैसेज को ले पाएँ, अपने फ्लावर के साथ ये सब एक्टिविटी कर पाएँ जिससे उनके गार्डन में भी अच्छे से बेस्ट फ्लावरिंग हो। तो ओके, बाय।